सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो रमान इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज मैं आपको मोटर में बोकी डालने का सही तरीका बताऊंगा कि हमारी बोकी बार बार ख़राब हो जाती है, किस वजह से ख़राब हो जाती है। बार बार हमारा जो नट है लूज़ हो जाता है, तो किस वजह से लूज़ हो जाता है, चलो इस वीडियो में आपको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पहले आपको बोकी लेके आनी है, इसके अंदर लगा के चेक कर लेनी है। चेक कैसे करनी है, अभी मैं आपको चेक कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं खोल रहा हूँ, मैंने खोली ये जद्दा की बोकी, अच्छी कंपनी की मैं लेके आया हूँ जद्दा की। ये देखो, पहले इसे लगा के खाली चेक करनी है कि हमारी ये टाइट है, जैसे ये मतलब लूजिंग है थोड़ी इसके अंदर। देखो, ये मैंने पहले लगाई थी वो टाइट थी, और ये जो लूजिंग है इसके अंदर आ रही है और खुद में खुद जा रही है, और ये बहुत टाइट अंदर नहीं जा रही। जैसे ये टाइट है, ऐसे ही हमारी जो दूसरी बोकी है उसको भी इस तरीके से टाइट हमें करना है। काफ़ी पहले ही टाइट होती है और काफ़ी हमें करनी पड़ती है। अभी जो हमारी एक बोकी है वो टाइट है, एक है जो उसके अंदर चाल है। तो अभी हम आपके सामने उस बोकी को, उसका जो मुँह है वो प्लास से खोलेंगे। जब पहले हमने एक बोकी ले लेनी है, इसके बाद मैं आपको वाशर भी चेक कराऊंगा, जो उसके अंदर वाशर जो लगती है वो भी आपको वाशर भी चेक कराऊंगा, कौन सी इसके अंदर वाशर लगती है। देखो, ये भी लोहे की वाशर है, उसको लगा के मैं चेक करूँगा कि नट के आर पार तो नहीं कर रही। काफ़ी चक्कर ऐसे होता है, जो हमारी जो वाशर है उसका जो सुराख है वो बड़ा होता है इस तरीके से, तो बोकी मतलब सही काम नहीं करती उसकी वजह से। अभी मैंने नट आपके सामने वाशर जो लगाई है वो बिल्कुल फिक्स है, नट के अंदर बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो सकती। अभी इस तरीके से देखो, बोकी में लगा रहा हूँ, खाली मैं आपको चेक करा रहा हूँ, फिर मैं इसको वाशर निकालने के बाद, फिर वाशर हमारी सही है। अभी मैं वाशर को निकाल लेता हूँ, फिर आप बोकी लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बोकी लगाते हैं। हम सबसे पहले जो बोकी को प्लास से खोलेंगे, इसका जो मुँह है प्लास से, ये देखो हमने बोकी लेनी है, प्लास से हल्का हल्का इसका जो मुँह है वो खोल लेना है। बोकी को थोड़ा बड़ा कर लेना है, दोनों को, एक को नहीं दोनों को बड़ा कर लेना। जो जो ज़्यादा हमारी जो टाइट है उसको हल्का हल्का करना, मुँह उसका हल्का हल्का खोलना, और जिसमें ज़्यादा चाल है उसको ज़्यादा ज़्यादा करना। इसी तरीके से आपको प्लास से खोल लेना है, आपको ज़्यादा भी खोल नहीं लेना ताकि आपको परेशानी करें, सही सही खोलना। पूरी बोकी को प्लास से इसी तरीके से खोल लेना है। देखो, मैंने बड़ी कर ली है बिल्कुल, मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ, ये अंदर आराम से नहीं जाएगी, इसको धक्का दूंगा तो जाएगी, ऐसे हर नहीं जाएगी। ये देखो आपके सामने कितनी बड़ी होगी, पहले आराम से खुद ही जा रही थी, अभी दूसरी बोकी आ गई, अभी दूसरी को भी हम ऐसी इसी तरीके से उसका जो मुँह है वो खोल लेंगे अच्छी तरीके से। पूरी बोकी को अच्छी तरीके से खोल लेंगे, खोलने के बाद अभी देखो, ये भी मैंने हल्की खोली है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो ज़्यादा खुली हुई है उसको हल्का हल्का खोलना, जो ज़्यादा कम है उसको ज़्यादा करना। अभी सबसे पहले इसके बोकी के अंदर हम वाशर रखते हैं, वाशर लगा के फिर हम इसके अंदर करेंगे। पहले इसको थोड़ा पहियों को घुमा के इसकी जुराड़े आगे की तरफ कर लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि वाशर को अकेला नहीं डालना, बोकी के अंदर लगा के फिक्स करके फिर आपको मतलब अंदर करनी है। अभी जो हमारी बोकी अंदर जा नहीं रही, तो हम इसको पेचे से थोड़ा इसकी जो साइड है वो दबाएंगे ताकि हमारी जो बोकी आराम से अंदर चली जाए। ये देखो, अभी तंग कर रही थी, मैंने वापसी इसको निकाल लिया, निकालने के बाद इसको थोड़ा सा इसका मुँह जो है क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर इसको अंदर करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर लगाई, लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी भी तंग कर रही है। अब मैं पिक्चर से फिर दोबारा पिक्चर से टाइट करूँगा, इसकी जो साइड है वो हल्के हल्के जोर दूंगा ताकि हमारी जो बोकी अंदर चली जाए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको पेचिस की चोट मारनी, अगर ज़्यादा मारोगे तो आर पार भी हो सकता है। ये देखो, बोकी हमारी कितनी आराम से अंदर जा चुकी है। हाल अभी हमने एक बोकी लगाई है, अभी दूसरा पीस इसका रहता है, पीछे से भी थोड़ी चोट मारना ताकि हमारी जो आराम से अंदर चल जाए। देखो, आपके सामने बिल्कुल अंदर चली गई है ये बोकी। तो थोड़ा और मैं चोट मारूंगा ताकि बिल्कुल अंदर चली जाए। ये देखो, अंदर चलेगी, अभी मैं व्हील को घुमाऊंगा, व्हील से इसकी जो राड है वो बाहर निकालूंगा। अभी इसके अंदर हम दूसरी बोकी फिट करेंगे, एक तो हमने लगा दी, एक का मुंह अंदर की तरफ होगा, एक का जो मुंह है वो बाहर की तरफ होगा। काफ़ी भाई बोलते हैं कि इसके बीच के अंदर भी वाशर लगाएं एक बोकी लगाने के बाद, अगर लगाओ तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं लगाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये मैं लगाऊंगा, ये
इसका जो मुंह बाहर की तरफ हमने रखना है, और इसके अंदर भी वाशर लगानी है आपको, ये याद रखना। वाशर आपको दो जगह पे लगानी है लाजमी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। इसको मैं प्लास से थोड़ा जोर दूंगा इस बोकी को। अब मैं इसके ऊपर वाशर लगाऊं, वाशर लगाने के बाद ये खुद ही अंदर खींच लेगी मोटर। अभी देखो बोकी हमारी जो है फिट हो चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाहर है। इसके ऊपर पहले मैं वाशर लगाऊं, वाशर लगाने के बाद फिर इसका जो डिब्बी है वो मैं टाइट करूंगा। इसकी साइडों पर थोड़ा मैं प्लास मारूँ ताकि इसकी जो साइड है सही तरीके से अंदर बैठ जाए। साइड पे बैठ चुकी है, अभी मैंने वाशर लगाई वही वाशर। और वाशर आपको ये ख्याल रखना है कि वाशर जो हमारी हो बिल्कुल बारीक ना हो, मोटी हो, थोड़ी जानदार हो, क्योंकि हम जब डिब्री टाइट करते हैं तो हमारी जो वाशर होती है वो टन कर जाती है, ख़राब हो जाती है। अभी मैं वाशर लगा दी, मैं डिब्री लगा रहा हूँ, डिब्री को टाइट करूँगा। अगर आपके पास गोटी है तो गोटी से टाइट कर सकते हैं, अगर आपके पास चाबी है तो चाबी से टाइट कर सकते हैं। तो मैं पहले प्लास से टाइट करूँ, प्लास से टाइट करने के बाद फिर मेरे पास चाबी है, मैं चाबी से टाइट कर सकता हूँ। आपके पास जो भी औजार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना सही सही टाइट करना, अगर आप ज़्यादा टाइट करते हैं तो आपकी अगली जो राड की चूड़ी है वो टूट सकती है। उसको हल्के हल्के ऐसे पहले मैं हाथ से टाइट कर लेता हूँ, टाइट करने के बाद फिर मैं प्लास से टाइट कर लेता हूँ हल्का हल्का। प्लास से मैंने टाइट कर लिया, फिर मैं व्हील थोड़ा सा घुमाऊंगा, बोकी को थोड़ा बाहर की तरफ करूंगा, फिर हल्का सा टाइट करूंगा। अभी भी इसके अंदर थोड़ी चाल है बोकी के अंदर, ये बिल्कुल क्लोज नहीं हुई अंदर से, बिल्कुल बोकी हमारी जो है क्लोज नहीं हुई, क्योंकि जो हमारी डिब्री है सही तरीके से अभी टाइट नहीं करी मैंने। जब तक हमारी जो डिब्री है अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो जाती अंदर से, हमें दोनों बोकियों को आपस में टच करना है बिल्कुल। अभी जो हमारी बोकी एक जो ज़्यादा अंदर है एक ज़्यादा बाहर है, तो हमें बिल्कुल उसको टच करनी है। वो टच कैसे होंगे, हमें नट को देखना है कितना टाइट हो रहा है, कितनी चूड़ी है इसकी, उस हिसाब से फिर हमारी जो बोकी है फिक्स हो जाएगी। अभी मोटर को मैं टेक देके इसका जो नट है वो पाने के जरिए टाइट करूँगा। ये हमारा 14-15 का चाबी है, इससे मैं टाइट करूँगा। टाइट करने का तरीका भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से टाइट करना है। काफ़ी भाई बोलते हैं पानी से कैसे टाइट करें, चाबी से कैसे टाइट करें, इसका तरीका भी मैं बताता हूँ, सब्र करो। पाना लगाने के बाद आपको स्क्रू पाना लेना है, स्क्रू पाना लेके इसमें टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपको खोलना है, टाइट करना है, जिस तरफ आप घुमाओगे उस तरफ आपका काम करेगा। देखो कितना इजीली तरीका मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। अगर आपके पास चाबी है तो कोई मसला नहीं है, इससे काम आपका हो जाएगा, परेशान नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास गोटी नहीं है, गोटी लानी पड़ेगी फिर हमें काम करना पड़ेगा, नहीं कोई मसला नहीं है। प्लास चाबी या फिर स्क्रू पाना होना चाहिए बस। ये देखो मैं टाइट कर रहा हूँ, इस हाथ से टाइट कर रहा हूँ कि इसको नुकसान ना हो अंदर की तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा अगर सफ़ा ज़्यादा टाइट करेंगे तो जोर लगा के टाइट करेंगे तो हमारी जो अगले जो पिस्टन में जो चूड़ी लगी हुई है राड की वो स्लिप कर जाएगी और टूट सकती है। इसकी जो चूड़ी होती है ये पूरे लोहे की तो होती नहीं है, उसकी होती है भीड़ की होती है, तो इस वजह से टूटने का बहुत इसका चांस होते हैं टूटने के। हल्के हल्के हाथ से आपको टाइट कर लेनी है इस तरीके से। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी करी या तेज़ करी तो आप ये टूट सकते हैं। फिर हमने व्हील घुमाया, व्हील घुमाने से ऐसे कि हमारे जो बोकी वाला जो राड है थोड़ी बाहर की तरफ आए ताकि हमारे टाइट करने में आसानी हो। फिर मैंने व्हील घुमाया, फिर इसको हल्का सा टाइट करूँगा। आपको उंगली मार के अंदर की तरफ चेक कर लेने कि हमारी बोकी बिल्कुल मिल गई, आ गई या नहीं आ गई। आपको जब आपका जो ऊपर वाला हेड खुला होगा तो आपको महसूस होगा, उंगली मार के आप हाथ मार के चेक भी कर सकते हो कि हमारी बोकी अंदर तक आ रही है या नहीं आ रही। मुझे लगा अभी तक हमारी बोकी नहीं पहुंची तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा और टाइट कर दिया।
अभी मैंने देखा तो बोगी पहुंच चुकी है, अभी थोड़ा हल्का सा और टाइट कर देते हैं इसको। ये देखो टाइट हो चुका है, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ बोगी किस तरीके से काम कर रही है। देखो बिल्कुल अंदर वर्किंग हमारी बोगी कर रही है, बिल्कुल ओके हो चुकी है। देखो कैसे वर्किंग कर रही है, अंदर बाहर हो रही है, ये हमारा ओके।